बेटे, आज के हमारे पाठ का नाम है पहाड़ से ऊंचा आदमी। आपको इस पाठ के नाम से कुछ हैरानी हो रही होगी, पहाड़ से ऊंचा आदमी। आपको हैरानी इसलिए हो रही है क्योंकि आप पहाड़ की ऊंचाई के बारे में सोच रहे हैं कि पहाड़ की ऊंचाई जितनी लंबी होती है उससे ऊंचा कोई आदमी कैसे हो सकता है। परंतु जैसे जैसे हम इस पाठ को पढ़ते जाएंगे, आप भी इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ, पहाड़ से ऊंचा भी कोई आदमी हो सकता है। यह पाठ बिहार के एक गांव के मजदूर परिवार के एक साधारण से व्यक्ति के विषय में है, जिसका नाम दशरथ मांझी था। दशरथ मांझी एक साधारण व्यक्ति था, फिर उसके नाम पर यह पाठ कैसे बन गया, यह भी एक आपके मन में बात आ रही होगी। फिर आपको यह भी लग रहा होगा कि अगर वो मजदूर था, एक असाधारण सा व्यक्ति था, साधारण सा आदमी था, तो वो पहाड़ से ऊंचा कैसे हो गया। ये जितने भी आपके मन में प्रश्न आ रहे हैं, इन सब प्रश्नों का आपको उत्तर मिल जाएगा जैसे जैसे हम इस पाठ को पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए, पहाड़ से ऊंचा आदमी। 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड़ काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है? निश्चित ही टेक्नोलॉजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड़ का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शख्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा? इस बात को मैं आपसे पूछूं कि पहाड़ से ऊंचा क्या हो सकता है? हाँ जी हर्ष, आदमी का दृढ़ निश्चय पहाड़ से ऊंचा हो सकता है? हो सकता है, ठीक है आपकी बात। चलिए तो अब हम आगे चलते हैं। शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा, लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में एक मजदूर परिवार में जन्मे एक शख्स ने इसका जवाब अपनी बाजुओं और अपनी मेहनत से दिया। पहाड़ को हिला देने वाले उन दशरथ मांझी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली। उनका जन्म 1934 में हुआ था। दशरथ मांझी नाम के एक व्यक्ति जो बिहार के गया जिले के गैलोर गांव में हुए थे। अब हमें इस पाठ के नायक के विषय में जानकारी मिल गई है। उन्होंने कुछ ऐसी साहस भरी घटना का परिचय दिया था जिससे इस पाठ का नाम पहाड़ से ऊंचा आदमी रखा गया है। और यह भी हमें जानकारी मिलती है कि वह चाहे रहने वाले बिहार के थे, परंतु उन्होंने अपनी अंतिम सांसें हमारी राजधानी दिल्ली में कौन से वर्ष में ली थी? 2007 में उनका निधन हुआ था। जपनीत, वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हथौड़ा लेकर दशरथ मांझी अपने गांव के पास स्थित पहाड़ के पास पहुंचे, तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शख्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है। मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरथ मांझी ने जब पहाड़ पर छेनी हथौड़ा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं, गांव के लोगों के लिए भी वह एक हंसी के पात्र बन गए थे। अब आप ये देखिए कि कोई व्यक्ति जब पहाड़ पर घूमने के इरादे से जाता है तो हैरानी नहीं होती, क्योंकि अक्सर जाया जाता है वहां पर। परंतु अगर कोई व्यक्ति वहां जाकर छेनी हथौड़ा लेकर और पहाड़ को काटना शुरू कर दे, जो आसपास के लोग हैं इस घटना को क्या स्वीकार करेंगे? नहीं करेंगे। यही दशरथ मांझी के साथ भी हुआ था, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता था कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। अभी तक उन्होंने उससे बात भी नहीं की थी, उन्हें कुछ भी नहीं पता था, वो उस पर हंस रहे थे। रिजक, जीवन संगिनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खो चुके दशरथ मांझी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। धुन के पक्के दशरथ की अथक मेहनत 22 साल बाद तब रंग लाई जब उस पहाड़ से एक रास्ता दूसरे गांव तक निकल आया। देखिए, अथक मेहनत की बात हो रही है इधर। आपने यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो बेटा, कुछ भी पाने के लिए कोई छोटा रास्ता अगर आप सोचें तो वो आपको संपूर्ण सफलता दे सके नहीं हो सकता। दशरथ मांझी ने
जब ठान लिया कि वे उस पहाड़ को चीरकर अपनी जो उनकी दृढ़ कल्पना है, दृढ़ निश्चय, उसको पूरा करेंगे, तो उन्होंने उस कार्य को करना शुरू किया। उस कार्य को करने के लिए उन्होंने अथक किया, बिना थके। वो ना थके थे ना घबराए थे, और उन्हें उस कार्य को पूरा करने के लिए कितने वर्ष लगे? 22 वर्ष। चलिए प्रभु गुड, आखिर ऐसी क्या बात हुई कि दशरथ को पहाड़ चीरने की धुन सवार हुई? दरअसल पहाड़ को जब तक चीरा नहीं गया था, तब तक दशरथ के गांव से सबसे नज़दीकी वजीरगंज अस्पताल 90 किलोमीटर पड़ता था। दशरथ की पत्नी की तबीयत खराब होने पर उसे वहां ले जाने के दौरान ही उसने अपना दम तोड़ दिया था। उन्हें लगा कि पहाड़ में कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज कर पाता। दशरथ मांझी को गैलोर गांव से कौन से गांव जाना था? उसे वजीरगंज जाना था। उसे वजीरगंज क्यों जाना पड़ा? आप सारे इकट्ठे नहीं बोलेंगे, आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी। गैलोरगंज से वजीरगंज का रास्ता कितनी दूर था? हाँ जी, 90 किलोमीटर। दरअसल यह रास्ता एक बीच में बहुत बड़ा पहाड़ आने की वजह से 90 किलोमीटर हो गया था। अन्यथा अगर पहाड़ ना होता तो वह वहां पर जल्दी पहुंच सकता था और अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती भी करा सकता था। क्या दशरथ मांझी अपनी पत्नी को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा पाया? जब वे अपनी पत्नी को अस्पताल लेकर जा रहे थे तो पहाड़ आने के कारण रास्ता बहुत लंबा हो गया और वह अपनी पत्नी को अस्पताल समय पर नहीं ले जा पाए, इसलिए उनकी पत्नी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। उसकी पत्नी का रास्ते में ही इलाज न मिलने के कारण निधन हो गया था। हमें यह अनुच्छेद पढ़ने से इस बात का स्पष्ट पता चल गया है कि दरअसल ऐसी कौन सी बात थी जिसने दशरथ मांझी को हथौड़ा छेनी हाथ में लेकर और पहाड़ की तरफ चलने को मजबूर किया। चलिए सक्षम। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों में जोड़ दो। हमारे हिंदी साहित्य जगत के रत्न, बहुत बड़े नगीने जिनका नाम यहाँ लिया गया है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, उनकी एक कविता है, दुख तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम दुख को तोड़ दो, बस अपनी आंखें औरों के सपनों से जोड़ दो। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना अपने कविता के माध्यम से बता रहे हैं, यदि कभी कोई ऐसा समय आ भी जाता है कि दुख चाहे कैसा भी हो, परंतु आपको फिर भी अपने मन में आशा की एक किरण जगाए रखना है। यदि वो दुख आपको कोई नुकसान दे गया है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? Yes? दूसरों के दुख कम कर सकते हैं। हम दूसरों के दुख कम कर सकते हैं। दूसरों के दुख कम करने पर जब वे आनंदित होंगे तो हमारा हृदय स्वयं ही शीतल हो जाएगा। ठीक है, चलिए गुरजोत। जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके दशरथ मांझी ने शायद शेष गांव के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिंदगी का मिशन बना डाला। आपसे मैं पूछती हूँ कि उन्होंने कहा है कि जिंदगी का 30वां वसंत पार कर चुके। हरसिमरन आपकी क्या उम्र है? 13। इसका मतलब कि अब तक आपने 13 वसंत देख लिए। वसंत वर्ष में एक बार आता है, तो दशरथ मांझी की क्या उम्र थी? अगर उन्होंने 30वां वसंत देखा था तो उस समय उनकी क्या उम्र थी? 30 वर्ष। चलिए। और अपनी पत्नी की असामयिक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ति में तब्दील कर दिया। 5-6 साल तक दशरथ अकेले ही मेहनत करते रहे। धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए। वहाँ एक दान पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे। कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वही गांव है, वही दशरथ मांझी है, वो वही काम कर रहा है और थोड़ी छेने से जिसे करते हुए पहले लोग उस पर हंस रहे थे, वे हंसने वाले लोग ही दशरथ मांझी के साथ कैसे मिल गए?
उन्होंने भी वही काम कैसे करना शुरू कर दिया मैम, क्योंकि उससे उसका उनका दुख भी कम हो जाता। कौन सा दुख कम हो जाता? पहाड़ टूटने पर अगर उनको दूसरे गांव जाना तो वो जल्दी पहुंच जाए। बिल्कुल ठीक कहा। किरण कहना चाहती है कि वे लोग समझ गए थे कि जो बुरा समय दशरथ मांझी पर आया था, रास्ता लंबा होने की वजह से यह घटना किसी पर भी आगे भविष्य में बीत सकती थी, और उस कार्य को शीघ्रता से संपन्न करने के लिए वे सब लोग दशरथ मांझी के साथ जुड़ गए थे। अब वह अकेला नहीं था। चलिए, आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीरगंज जाने की 80 किलोमीटर की दूरी को 13 किलोमीटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है। एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा, पुअर मैन्स ताजमहल। उस पत्रकार ने उस श्रमिक के प्यार की निशानी को पुअर मैन्स ताजमहल की उपाधि क्यों दी होगी? अंग्रेज पत्रकार ने दशरथ मांझी द्वारा बनाए गए रास्ते का नाम पुअर मैन्स ताजमहल इसलिए रखा क्योंकि जैसे शाहजहां ने अपनी पत्नी के याद में ताजमहल बनवाया था, वैसे ही दशरथ मांझी ने अपनी पत्नी के मरने के बाद उसकी याद में पहाड़ को चीर कर एक रास्ता तैयार कर दिया, जिससे दूसरे लोगों को भी सुविधा मिल गई और उनका समय बचता था। बहुत बढ़िया, तालियां, बहुत बढ़िया। मांझी ने भी अपनी पत्नी की याद में जब इतना बड़ा काम करके दिखाया तो उन्हें उस काम को, उस रास्ते को यह उपाधि दी गई थी। चलिए, कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया। तब एक फक्कर कबीरपंथी की तरह यायावरी कर रहे दशरथ मांझी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी, जो उस चिड़िया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहाकर ले गया था। कहानी उस चिड़िया की प्रचंड जिजीविषा और संकल्प को बयां कर रही थी, जिसके तहत समुद्र द्वारा घोंसला ना लौटाने पर चिड़िया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया। शुरुआत में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिड़िया भी उसके साथ जुड़ गई, और फिर विष्णु का वाहन गरुड़ भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया। फिर भी बचाव करने के लिए खुद विष्णु को आना पड़ा, जिन्होंने समुद्र को धमकाया कि अगर उसने चिड़िया का घोंसला नहीं लौटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा। तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिड़िया क्या आप ही हैं, इसके जवाब में आंखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरथ मांझी ने बात टाल दी थी। एक चिड़िया इतने बड़े समुद्र को क्या कभी सुखा सकती है? नहीं सुखा सकती। परंतु क्या उसने ऐसा करने में कामयाबी पाई थी? आज आपको दशरथ मांझी एक बात सिखा रहे हैं कि दृढ़ निश्चय यदि आपके अंदर है तो आप आगे निकल जाएंगे, मुश्किल पीछे रह जाएगी। जय। पिछले कुछ सालों से दशरथ मांझी कबीरपंथी साधु बन गए थे और यायावर बने हुए थे, लेकिन कबीर का उनका स्वीकार महज ऊपरी नहीं था। उनके विचारों में भी कबीर जैसा प्रखरता जैसी प्रखरता थी। गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर, पूजा में उलझे रहना और तमाम अंधश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। वे कहते थे कि जिंदगी भर फाकाकशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यु भोज में अच्छे अच्छे पकवान खिलाए जाते हैं, इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं? दशरथ मांझी को कौन सी बात दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाती थी? कौन सी बात? हाँ जी, गरीबी और मेहनत कशों का ईश्वर, पूजा में उलझे रहना और तमाम अश्रद्धाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था। जो अंध श्रद्धा हमारे में होती है,
जिसे हम हर कीमत पर निभाते हैं और वे हमें कहीं ना कहीं नुकसान दे जाती हैं, वही बात दशरथ मांझी को बहुत पीड़ा पहुंचाती थी। हर्ष, दशरथ मांझी हमारे बीच नहीं है, लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते? जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं, फिर वह चाहे प्रोमिथियस हो या भगीरथ, ऐसी शख्सियतें जो मनुष्य को उधाम जिजीविषा को प्रतिबिंबित कर रही होती हैं और अपनी कोशिशों से प्रकृति की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती हैं। यह बात यहाँ पर क्यों की गई है? यहाँ पर आप मुझे बताइए कि दशरथ मांझी ने कौन सी प्रकृति की दानव शक्ति से मुकाबला किया था? कौन सी? पहाड़ को चीर कर एक रास्ता तैयार कर दिया था। हाँ, बिल्कुल ठीक है। अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसलिए बताया था कि पहाड़ मुझे उतना ऊंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं। मनुष्य से ज्यादा ऊंचा कोई नहीं होता। क्या आप भी इस पाठ के लेखक सुभाष गाताड़े की इस बात से सहमत है? किस बात से सहमत है? क्या कहा है उन्होंने? हमें हमेशा अपनी जिंदगी में कोई दृढ़ निश्चय लेना चाहिए। उसकी दृढ़ निश्चय से वो क्या कर लेगा? पहाड़ को चीर कर एक रास्ता तैयार कर दिया। जो मनुष्य से भी ज्यादा दृढ़ पहाड़ है उसे वो चीर सकता है और अपनी दृढ़ता को प्रमाणित कर सकता है। हमने अभी सुभाष गाताड़े द्वारा लिखा यह पाठ पढ़ा, पहाड़ से ऊंचा आदमी। इसमें हमने देखा कि दशरथ मांझी इतना सा भी टस से मस नहीं हुए अपने दृढ़ निश्चय को पूरा करने में। वे अपनी बात पर 22 साल तक लगातार लगे रहे। आपने कभी देखा होगा हमारे पास से जब चींटी निकल रही होती है, हम देखते हैं कि चींटी कहीं पहुंचने का प्रयास कर रही है परंतु बार बार फिसल जाती है, फिर ऊपर चढ़ी है, फिर फिसल गई। इस तरह बार बार होता है परंतु चींटी पीछे नहीं हटती, अपना रास्ता नहीं बदलती, दोबारा प्रयत्न करती है, फिर प्रयत्न करती है और आखिर जहां उसने ऊपर चढ़कर पहुंचना है वो वहां पहुंच जाती है। इसके पीछे क्या है? उसकी दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय के विषय में आपने और क्या क्या सोचा है? जो आपके विचार है उन्हें आप सोचिए और फिर कल हम दोबारा इसी बात पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।